जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल यानी 23 से 29 जनवरी में 12 राशियों पे क्या ग्रह गोचर रहेगा और ये जो सप्ताह है 12 राशियों का कैसा रहेगा, इसके बारे में हम जनरल प्रिडिक्शन करने वाले हैं, समझने वाले हैं ग्रहों को कि 12 राशियों पे ये सप्ताह कैसा रहेगा। तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। इस सप्ताह विदेश से कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है या विदेश संबंधी कोई सूचना आपको आ सकती है और या फिर आपके माता पिता कोई खुशखबरी आपको दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह तुला राशि के लिए भी अच्छा है। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य इस सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। भक्ति में आपका मन रहेगा, पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और वाहन ध्यान से चलाएं तुला राशि वाले, हल्का फुल्का आपकी गाड़ी में डेंट आ सकता है या स्क्रैच आ सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह अचानक तुला राशि को कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है और मकान पे आपका कुछ खर्चा भी हो सकता है या फिर आप कोई डिवाइस अपने व्यापार के लिए खरीद सकते हैं या अपने व्यापार के लिए या अपने काम को, काम से संबंधित कोई आप खर्चा कर सकते हैं। कुल मिला के धन लाभ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो धन लाभ हो रहा है वो जो पैसा है वो खर्च भी आप करने वाले हैं। करियर के बारे में बात करें तो ये सप्ताह नॉर्मल रूटीन वाला रहेगा, बिजी रहेंगे काम, 9 to 5, 9 to 6 की जो जॉब आपकी चल रही है उसमें बिजी रहेंगे, पुराने काम आप निपटाते रहेंगे। हाँ, आप अपने जीवन में एक डिसिप्लिन और एक शेड्यूल सेट करने वाले हैं। इस सप्ताह आपके डिसिप्लिन, आपके शेड्यूल में बड़ा परिवर्तन देखने को नज़र आएगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका रिलेशनशिप नॉर्मल है, दोनों ही आपके पार्टनर भी और आप भी काम में बिजी रहने वाले हैं। आने वाली जो योजनाएं बनाने वाले हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, आगे हम कहाँ घूमने जाएं, आगे हम कुछ महीनों में कहाँ घूमने जा सकते हैं, किस हिल स्टेशन की यात्रा कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग आप बनाने वाले हैं और जो इस सप्ताह आपने जो प्लानिंग बना रखी थी वो कैंसिल हो जाने वाली है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी इस सप्ताह जो पार्टनर के साथ में जाने की जो संभावनाएँ थी वो कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है। और मित्रों, ये जो हमने आपको साप्ताहिक राशिफल, मंथली राशिफल देते हैं, ये जनरल बेस्ड प्रिडिक्शन बेस्ड है। यदि आप किसी समस्या में हैं, आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं और आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं या आप साढ़े साथी ढैया से जूझ रहे हैं या आपके साथ में कोई गंभीर समस्या, आपका कोई काम ही नहीं बन रहा है, तो आपको 7210124289 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए। वेट मत कीजिएगा कि अब समय अच्छा आएगा, आपको अपना समय अच्छा करना पड़ेगा। तभी तो कहा जाता है आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा ना हो जाए। अक्सर क्या होता है कि आप ज्योतिषी को कुंडली तो दिखाते हैं लेकिन अक्सर आपके साथ घटना हो चुकी होती है, व्यापार डूब चुका होता है, डिवोर्स हो चुका होता है, प्रेमी छोड़ के जा चुका होता है और रिजेक्शन हो चुकी होती है, उसके बाद आप ज्योतिषी को दिखाएंगे तो इतना फायदा नहीं होगा। समस्याओं को सही मत, अभी ही आप व्हाट्सएप कीजिए और अपने बारे में जानकारी लीजिए और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, याद रखें।